तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 6:15 और मॉर्निंग हो गई है देखो। और यहाँ मेरा दूध भी आ गया है जिसको मेरे को इसमें निकाल देना है। पहले दूध निकालूंगी और यहाँ मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है। चिया वीरू की डिमांड पे आज पास्ता बन रहा है उनके टिफिन के लिए, तो ये बॉयल हो जाएगा तब इसको बनाते हैं। पहले जब तक दूध निकाल लेते हैं। तो यहाँ मम्मी चिया वीरू को रेडी कर रही है। कौन रेडी करता है आजकल आपको? नाना। अच्छा अच्छा रेडी करती है क्या? हैप्पी हो आप नाना से रेडी हो के? इधर दिखाओ, तो इधर दिखाओ अपना फेस। वाओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज 24th of July और अभी का सीन ये है, चिया वीर स्कूल जा रही है और चिया अपने शूज निकाल के लिए आई है पहनने के लिए। ये आपकी है, देखो इनकी शूज के पीछे मैंने नाम लिखे हुए। अब थोड़ा सा ना हट गया है, वापिस से लिखना पड़ेगा, नेल पेंट से लिखा था मैंने। ये आपका ही लेके आयो ना? पर आप ठीक है, आई पहना देती हूँ। पहले आप ये बताओ मुझे, आप टिफिन फिनिश करके आओगे? आपने क्या बोला था नाइट में? पास्ता ही रखा है, खा लोगे ना? मिर्ची नहीं डाली मम्मा ने उसमें बिल्कुल भी, ठीक है ना? फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, मैं जिम जाकर आ गई हूँ। आज है ना सुबह से ना बारिश नहीं हो रही थी, तो मेरे को लगा कि घर जाते हैं नहा के फिर बच्चों को स्कूल लेने जाऊंगी। तो आके नहाई, नहाने गई जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, मैंने सोचा था आज तो बारिश नहीं आएगी। साफ था एकदम मौसम, सुबह से कोई बारिश नहीं थी, कल रात तक पूरा पूरी रात बारिश आई थी, पर सुबह से ना मौसम एकदम साफ था, अभी फुल बारिश आ गई। ये देखो बारिश आ रही है अभी, और इधर देखो बादल पूरे पहाड़ों के अंदर आए हुए हैं, ये देखो, और बारिश तेज हो गई है। अभी तक बालकनी में नहीं आ रही थी, थोड़ा साफ था, दीदी पोछा लगा के गई थी, फिर बारिश नहीं आ रही थी, तो अब ना बालकनी में भी आने लग गई है बारिश। ये देखो तेज हो गई है अब, और बच्चों को लाने का टाइम हो गया, तो बस जल्दी से निकलते हैं। देखो फ्रेंड्स आज मेरी गाड़ी फुल मॉडिफाई हो गई है, इसके पेड़ के नीचे खड़ी थी जो पत्ते ही पत्ते लग के एकदम अलग ही हो रखे, पूरी गाड़ी में पत्ते ही पत्ते चिपके हुए हैं, अलग डिज़ाइन हो गई अब मेरी गाड़ी की, एकदम सारी ऊपर नीचे से सब बराबर हो रखी है। देखो अब नहीं खड़ी करूँगी, ये देखो, ओहो फ्रंट ग्लास पे भी कितने सारे चिपके हुए हैं, यहाँ पे भी चिपके हुए हैं, इस साइड भी हैं। अब इस पेड़ के नीचे नहीं खड़ी करूँगी, आगे की साइड ही करूँगी। उस दिन मुझे लास्ट टाइम जगह नहीं मिली तो मैंने यहाँ पे लगा दी, और फुल एकदम मॉडिफाई हो गई मेरी गाड़ी। अभी है ना हमने ना बनाना लिए थे रस्ते से, आर्या ने भी लिया था, मैंने भी लिया था, तो वो है ना मेरे बनाना भी लेके चली गई। अब मैं वापस एक राउंड लगा के फिर जा रही हूँ वापस बनाना लेने के लिए, क्योंकि बनाना डेली मॉर्निंग में काम आता है, आप लोगों को पता ही है। और एक और बात, मेरी गाड़ी के लिए ना स्कूल के वहाँ पे भी सब लोगों ने बोला कि गाड़ी तो बहुत ही अच्छी हो गई है। आर्या ने बोला कि ये तो जैसे दुल्हन की गाड़ी नहीं होती सजवा के लेके जाते, वैसी अभी बनाना लिया ना मैंने, तो वहाँ पे भी है ना वो बनाना वाला बोल रहा है मैडम गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। तो फ्रेंड्स आज हमारे लंच में बनी है पत्ता गोभी की सब्जी, यहाँ मैंने अचार भी लिया है, और आप बोल लो क्या ये है, क्या है बोलते इसको? पास्ता। देख लो ये पास्ता पूरा फिनिश नहीं करके आई, इन दोनों के टिफिन को मैंने खाली करा तो इतना पास्ता उसमें था। पूरा फिनिश क्यों नहीं करा आपने पास्ता? अब भोजन में डाल रहे थे। अब खाओगे? हाँ आपने क्यों नहीं करा पूरा पास्ता फिनिश? बहुत सारा डालती, कुछ ही नहीं डाला था, बहुत सारा कम ही था वो। हाँ तो ये मेरा लंच है, और ये मैंने ज्वार की रोटी बनवाई मम्मी से, मैं ज्वार की रोटी खा रही हूँ आजकल, अब बाजरे की नहीं खा रही, ज्वार की खा रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ना कम है ना कैलोरीज वाला आटा लेके आती हूँ अपने लिए कि वो वाला खाऊंगी, और मम्मी ने इसको बढ़िया एकदम घी में लगा के फिर मुझे दिए। देखो मम्मी का प्यार, देख लो माँ का प्यार, मम्मी ने एकदम घी में लथपथ करके फिर मुझे रोटी दी है। कहा मैंने सोचा था अपनी ज्वार की रोटी खाऊंगी कम कैलोरीज वाली, पर कोई बात नहीं, तो मम्मी का प्यार है। वीरू वीरू मम्मा को बताओ क्या हुआ बेटा, मारा जी आपने? मारा बहन को? सॉरी बोल दिया था। सॉरी बोला? सॉरी नहीं सुनोगे तो क्या कराऊं उससे, तब आप हैप्पी हो जाओगे? आपने मारा। तो अब जिया क्या करे कि आप क्राई नहीं करो? जिया ईयर्स पकड़ के सॉरी बोलो बहन को, इधर सामने आओ ना, बैड मैनर्स, चलो ईयर्स को पकड़ के बोलो सॉरी, फिर मम्मा भी इकट्ठी हो जाएगी आपसे। चलो मैं बुलवाती हूँ, सॉरी
सॉरी बोलो बहन को अच्छे से ईयर्स पकड़ के। देखो कितने अच्छे से बोल रही है बेटा वो, अब तो बोल दो इट्स ओके। फिर मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएगी फिर। अच्छे से इट्स ओके बोलो, हगी करो दोनों, चलो हगी करो वीरू, फिर हगी करो बहन को। देखो वीरू चिया तो कर रही है, वीरू भी करेगी, वेट वीरू भी करेगी। वीरू आओ ना, गुड गर्ल, हगी हगी अच्छे से करो, टाइट हगी, ये। एंड सभी का सीन ये है, सोकर उठ गए हैं हम लोग, चिया ने अपनी पोनी बनवाई, बोलिए थ्री रबड़ लगा के पोनी बनाओ, मेरी थ्री रबड़ से पोनी बननी चाहिए, थ्री पोनी। तो मैंने इसकी कैसी पोनी बनाई है पीछे की दिखा दो, ये देखो चिया की पोनी, और वीरू भी आ गई अपनी पोनी दिखाने के लिए, और मैं पी रही हूँ कॉफी। आजकल मैं मम्मी के साथ में कॉफी इंजॉय कर रही हूँ, मम्मी कॉफी बनती है तो मम्मी मेरे लिए भी बना के ले आती है। हाँ बोलो, ओ उसके हेयर्स आए हुए हैं, ठीक है मैंने बता दिया सबको। और चिया वीरू ने ना टीवी को ऑफ करवा दिया है और बोल रहा है कि हमारे लिए म्यूजिक चलाओ, और है ना वहाँ पे स्पीकर को ऑन करके आई है, तो अब मैं इनके लिए ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने वाने चलाती हूँ। कौन सा चलाऊं बताओ? जो पापा ने फोन में क्या करते हैं वो वाला। गौरव ने कॉलर ट्यून लगा रखी है, ऑब्सेस की जो चल रही है आजकल टॉप पे पंजाबी म्यूजिक की, उसकी लगा रखी है, वो जुत्ती या ऊंची या रखिया ऐसा कुछ है ना वाला, तो वो वाला लगाने के लिए बोल रही है जो पापा के फोन में लगता है ना वो वाला। ठीक है चिया वीरू क्या खा रही है? ये कपकेक है? नहीं कपकेक नहीं, इस पर देख इस पे लिखा हुआ है ब्रेड रोल, ब्रेड रोल है, क्रीमी क्रीमी ब्रेड रोल। कैसा लग रहा है वीरू? ऐसे नहीं बेटा, कट्टी करके खाओ। बाइट करो बेटा अच्छे से, ऐसे नहीं, ना नो 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 नो, बाइट करो पूरा माउथ आ करके बाइट करो, नो क्रीम नहीं लेनी खाली, पूरा अच्छे से खाना है। हाँ वो देखो चिया, देखो चिया बता रही कैसे खाना है, देखो पूरा। केक वाले भैया आए थे तो मैंने उनसे ब्रेड ली थी, तो चिया ने डिमांड करी कि मुझे ये चाहिए कपकेक, ये तो बोली है तो बोल रही है कि मैं खाऊंगी, तो ये खा भी रही है, पर वीरू खाली क्रीम क्रीम खा रही है। और डिनर मेरा बनना स्टार्ट हो गया है, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, यहाँ मेरी कढ़ी बन रही है जिसको बनने में भी काफी टाइम है, आधा पौन घंटा है मेरी कढ़ी बनती है, एक सवा घंटा तक मेरी कढ़ी आराम से बनती है, तो कढ़ी बनेगी जब तक। आज ये कपड़े सारे उतार लिए मैंने यहाँ वाले, तो इनको सबको फोल्ड करके फिर रखूंगी। क्या करा दिखाओ, ABCDEFG यहाँ रखो, यहाँ रखो तब दिखेगा, ऐसे रखो यहाँ पे, बुक को इधर रखो। वाह नाना करवा रही है आपको, बहुत अच्छा होमवर्क करा रही है नाना, तो थैंक यू बोलो नाना को। ओले वाह, वन टू नहीं करा, वन टू नहीं करा, ओले वन टू भी करे, नंबर्स भी कर लिए, वेरी गुड। दूसरा हाँ दिखाओ, दूसरा दिखाओ। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों की स्टडी, मम्मी करवा रही है इनको, मम्मी इनको है ना ऐसे डॉट डॉट बना के देती है, इनके ऊपर डॉट डॉट बना के देती है, फिर ये उसके ऊपर लाइनिंग करते हैं। इधर भी कुछ बनाया क्या? अच्छा इधर नहीं बनाया, चलो ये ऐसे ऐसे बना के रखती है मम्मी, फिर उसके ऊपर ये लोग बनाते हैं। ठीक है कर लो आप, मैं खाना बना के ला दूं। दिस इज ट्रायंगल, यस दिस इज ट्रायंगल, सर्किल बना के दिखाओ। फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, चिया वीरू लगवा रही है अपने नेल पेंट, वीरू के लग चुके हैं। वीरू दिखाओ आपकी नेल पेंट, ये देखो वीरू के लग चुकी है, अब चिया का नंबर आया है। काफी मतलब मशक्कत के बाद में चिया मानी है कि हाँ मैं ये लगवा लूँ, नहीं तो इसकी डिमांड आई थी रेड कलर लगवाऊंगी, पर रेड कलर बेबीज नहीं लगाते, आपको अब आ गया ना समझ में? पिंक के दो चलाते ना। हाँ बेटा आपको तो पिंक के दो, ये वाला बोल रही हूँ, ये पिंक है, ये पिंक है, ये लाइट ऑरेंज है, पिंक नहीं है, लाइट ऑरेंज है, पर ना ऑरेंज लगाना है ना पिंक लगाना है, ठीक है? खाली बेबी वाला लगाना है, बेबीज वाला लगाना है, तब चिया भी बेबीज वाली लगाएगी, नहीं तो स्कूल में टीचर गुस्सा करेगी, है ना बेटा? सब बेबीज को बोलो बेबीज वाली नेल पेंट लगानी है, बेबीज वाली नेल पेंट लगानी है, चिया भी वही लगा रही है, बेबी वाली लगाओ, सब लोग छोटे हैं, और हाँ लाइक कर देना, और हाँ लाइक कर देना, हाँ, तो चिया वीरू की नेल पेंट खराब नहीं हो इसलिए चिया वीरू ने ना
पहले तो चिया ही पी रही थी, वीरू भी वैसे ही पीने लग गई। गिलास वहाँ पे मम्मी ने लाके रखा था और वहीं पे ये ना नीचे मुंह करके पी रही, बोले कि ऐसे हम हाथ में लेंगे तो नेल पेंट खराब हो जाएगी। अब नहीं होगी खराब, नहीं होगी, ठीक है चलो पी लो, कैसे भी पी लो पर पी लो।